हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आजकल लोग फैशन ट्रेंड्स पर काफी ध्यान रखते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। वहीं आजकल लोग अपने नेचुरल बालों से तंग आकर उन्हें अलग अलग रंगों में रंगवा रहे हैं। जी हां, बालों को कलर करने का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है और लोग अपने बालों में ब्लैक और ब्राउन ही नहीं बल्कि रेड, पिंक, पर्पल जैसे कलर भी बड़े ही शौक से करा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि बालों को कलर कराना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, अगर आप भी अपने बालों में कलर कराने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। चलिए बताते हैं आपको इससे होने वाली समस्याओं के बारे में। नंबर 1, बालों में कलर करने का सबसे पहला नुकसान तो ये है कि इससे बालों का नेचुरल कलर गायब हो जाता है, क्योंकि हेयर कलर में अमोनिया और पेरोक्साइड काफ़ी ज़्यादा होता है जो बालों के नेचुरल पिगमेंट को निकाल देता है। बाल कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। नंबर 2, हेयर कलर की वजह से आपकी आंखों की रोशनी भी जाने का खतरा बढ़ जाता है। जी हाँ, हेयर वॉश करते समय या किसी और वजह से आपकी आंखों में कलर चला जाए तो इससे आपकी आंखों में इन्फेक्शन, सूजन, आंखों में पानी आना और कंजक्टिवाइटिस जैसी परेशानियाँ हो सकती हैं। नंबर 3, हेयर कलर में मौजूद केमिकल की वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं और स्कैल्प को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है और स्कैल्प में खुजली जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नंबर 4, स्कैल्प की प्रॉब्लम के अलावा हेयर कलर से अस्थमा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। जी हाँ, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की माने तो हेयर कलर को बनाने में कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं और इनके संपर्क में आने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 5, वहीं हेयर डाई में होने वाले केमिकल से बालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इन केमिकल से नए बालों का बनना मुश्किल हो जाता है और इससे बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या हो जाती है। तो देखा आपने हेयर कलर से आपको कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं बताते चलें कि अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो उसे डाई लगाने में 1.5 साल में ही आंखों की रोशनी जाने की आशंका रहती है। खैर, हम तो आपसे यही अपील करेंगे कि फैशन ट्रेंड के हिसाब से चलना गलत नहीं है, लेकिन ट्रेंड के चलते आप अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं।